स्वागत है आपका घर से पढ़ाई में। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डायग्राम हमें पहले दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 पी माइनस कॉट आर। डायग्राम के अंदर हमें परपेंडिकुलर और हाइपरटेन्यूज पहले से दिया हुआ है और एक वैल्यू हमें नहीं दी गई। अब जब भी कोई क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल करते हैं उसमें हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या और उसके बाद क्या है जो हमें नहीं दिया गया उसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले इसमें हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले लगाएंगे और इस तीसरी वैल्यू को ढूंढ लेंगे कि आखिर ये है क्या। थर्टीन स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 में से यहां पे आएगा 144, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। और जब क्यू आर की वैल्यू हम रूट से निकालेंगे तो आएगा 5 और इस 5 को हम यहां पे मेंशन करते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है 10 पी माइनस कॉट आर। सबसे पहले हम देखते हैं 10 पी, क्योंकि P एंगल बताया गया है तो यहां पे स्पेसिफिकली हमें देखना है कि ये हमारा हाइपरटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। और 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आएगी 5/12। अब इसके बाद देखते हैं कॉट आर। कॉट आर में एंगल बदल गया है जो कि है आर, तो आर के हिसाब से जब देखें तो ये हमारा हाइपरटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस रहेगा, जिसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट जो इसी का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि दोबारा आ जाएगी हमारे पास 5/12। अब जब हम इसे इक्वेशन में रखेंगे 10p माइनस कॉट आर तो ये होगी 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि एक बार एंगल पी दिया है और एक बार आर दिया है, इसलिए उस पर स्पेशल फोकस करना कि कौन सा एंगल दिया गया है, अच्छे से रिवाइज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके दोबारा लिख कर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन छोटा होने के बाद भी एग्जाम में टेस्ट में आ सकता है, हालांकि वैल्यू बदली जा सकती है। ध्यान से करो और ध्यान से लिख कर प्रैक्टिस करो। ओके, बाय।